हेलो एवरी वन वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम शोमो बॉयोजी ये वीडियो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा इट्स विल बी अंगल वीडियो बिकॉज यूर आई बी शोइंग मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन इंग्लिश इन द बोर्ड सो टॉपिक्स विल बी इन इंग्लिश आई एल एक्सप्लेन दम इन हिंग्ली हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूंगा इंग्लिश टॉपिक्स है सो विल गेट टू नो अबाउट वट टॉपिक्स आई एम डिस्कसिंग एंड दिस सीरीज ऑफ विडियो इज रिगार्डिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एज पर दी एस एन एट सिलेबस फॉर इंडिविजुअल यूनिट्स यूनिट वन टू यूनिट थर्टीन तेरह यूनिट्स है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज कौन से हैं सिलेबस से वो बताएंगे और कोई भी ऐसे टॉपिक लिख के नहीं बताएंगे आई हैव सी एस सिलेबस सो आई शो यू द सी एस सिलेबस फ्रॉम यूनिट वन टू यूनिट थर्टीन एंड फॉर ईच एंड एवरी सिलेबस हर एक सिलेबस की स्क्रीन शॉट हर एक यूनिट की स्क्रीन शॉट बताएंगे कि स्क्रीनशॉट में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है बिकॉज देर आर सो मेनी टॉपिक्स आउट देयर यू डोंट नीड टू रीड ऑल द टॉपिक्स ऑल दियर देर इज ह्यूज नंबर ऑफ टॉपिक्स इन सी एस एन एड एग्जामिनेशन दे आर क्वेश्चन फ्रॉम फ्यू टॉपिक्स कुछ ही टॉपिक है जहां से रिपीटेडली बार 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 क्वेश्चन रिपीट किया जाता है कुछ टॉपिक को टच ही नहीं किया जाता है तो आज आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम ग्रीन कलर से मार्क करेंगे जो टॉपिक मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है उसको हम ब्लू कलर से मार्क करेंगे और जो टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम रेड कलर से मार्क करेंगे और इस मार्किंग से आपको पता चल जाएगा कि, कि किस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है किस हिसाब से आपको कौन से टॉपिक को पढ़ना है कौन से टॉपिक को छोड़ना है यू गेट टू नो विच टॉपिक यू नीड टू प्रिपेयर विच टॉपिक यू कैन लीव फॉर द अपकमिंग सी एस एन एट एग्जामिनेशन दैट डेफिनेटली हेल्प यू टू कट शॉर्ट द प्रिपरेशन टाइम एक डेढ़ दो महीने के अंदर जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत बहुत फायदेमंद साबित होगा तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना उटिंग एनी फर्द हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है कलर कोड आई टेल यू मैं कलर कोड के बारे में बता देता हूँ कलर कोड कैसे होगा कलर कोड होगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रीन में रहेगा देन मॉडरेटली इंपॉर्टेंट जो येलो कलर मेरे पास यहाँ पे उतना विजुअलाइजेशन नहीं होता है और लीस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट रेड कलर से होगा ओके सोल स्टार्ट विद द कलर ग्रीन हियर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फ्रॉम दिस बायो केमिस्ट्री यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस बायो केमिस्ट्री यूनिट एंड आई एल मार्क देम स्टार्टिंग विद दिस वन एफ देन हैव ई

एनर्जी प्रोसेसिंग कितना एनर्जी जनरेट होता है ग्लूकोज से सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड द थर्ड वन इज द मेटाबॉलिज्म पर्टिकुलरली द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स नॉट फॉर द एमीना एसिड्स एंड यूक्ट्स बट स्टिल दे आर स्टिल इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम द वि पार्ट यू कैन गो विद दिस मेटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स एंड अमीना एसिड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो ये तीन अलग अलग हिस्सा जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम दैट द सेकेंडरी टॉपिक अगर हम चूज करें सो सेकेंडरी टॉपिक जो मॉडरेट इम्पोर्टेंस कैरी करता है यहाँ से वो होता है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स ये हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कैसा कार्बोहाइड्रेट दिखने में होता है कैसे बनता है कार्बोहाइड्रेट्स व्हाट आर द कंपोनेंट्स मोनोसेकोराइड डाइसेकोराइड पॉलीसेकेराइड लिपिड्स प्रोटीन्स सो दिस इज अनदर वन ये भी ब्लू uh, कलर में आएगा जो इंटर inter मोलिकलेक्ट्रोस्टैटिकोजनो के सेगमेंट में आएगा तो ये तीन टॉपिक्स मॉडरेटली इंपॉर्टेंट के सेगमेंट में आता है सो ना वी आर लेफ्ट विथ ऑनलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ये यहाँ पे आपके सामने है दिंसिपल ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री जो है जी हाँ ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे कि पीएच बफर रिएक्शन काइनेटिक्स बट रिमाइंड यू ये इंपॉर्टेंट नहीं है थियोरी क्वेश्चंस के लिए मगर प्रैक्टिकल आई मीन मैथमेटिकल क्वेश्चंस के लिए पीएच बफर और रिएक्शन uh, काइनेटिक्स से बहुत क्वेश्चन आता है एक्चुअली प्री कोविड टाइम पर बहुत क्वेश्चन आता था नाउ फॉर दिस मोमेंट राइट नाउ द क्वेश्चन नंबर हैज बीन डिक्रीज सिग्निफिकेंटली पोस्ट कोविड सो स्टिल इट स्टिल दे आर यू नीड टू प्रिपेयर मैथ प्रॉब्लम फ्रॉम दिस उसके अलावा कुछ नहीं करना है और कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन कंफर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड रामाचंद प्लॉट से फिर भी क्वेश्चन आता है बट द कंफर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो ए डी एन एन जेड डी एन एट इज माइक्रो आर एन एड ऑल दिस दो माइक्रो आर एन ए मेकेज इम्पोर्टेंट विच इज इन यूनिट थ्री यूनिट तीन पे हुआ आता है मगर यहाँ पे वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो अगर इस यूनिट से कुछ चीज को कुछ कुछ टॉपिक को आपको अवॉइड करना है प्रिपेयर नहीं करना है तो वो डी जी और एच और आई में से ही होगा क्योंकि बाकी सारे तो इंपॉर्टेंट है ग्रीन सबसे इंपॉर्टेंट ब्लू मॉडरेटली इंपॉर्टेंट आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए मैथ के लिए आप बफर पीएच और रिएक्शन काइनेटिक्स को भी प्रिपेयर करें बिकॉज विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू सो होपफुली यू गेट अ गुड आइडिया आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन से टॉपिक ग्रीन में आ रहा है कौन सी ब्लू में कौन सी रेड में तो उस हिसाब से डिफ्रेंशिएशन किया गया है और मैंने आपको बताया ऐसे ये डिफ्रेंशिएशन में जो जिस आधार पे किया दैट इज अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग लास्ट टेन सी एस एन क्वेश्चन पेपर पोस्ट कोविड कोविड के बाद की दस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद ही मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं और मेरे सामने ये जो लिस्ट है ना आपको शायद लग रहा होगा कि मेरे पास अगर मिल जाता कि सबसे इंपॉर्टेंट ब्लू ग्रीन में फिर ब्लू में फिर रेड में कौन कौन से कलर के टॉपिक्स हैं तो वो मैंने आपके लिए कर दिया है वो भी पार्ट मैंने कर चुका हूँ और उसके लिए अगर वो पर्टिकुलर फाइल आपको डाउनलोड करना है पी डी एफ में आ, वो मेरे वेबसाइट में अवेलेबल है यू कैन गेट इट देयर फ्रॉम माई वेबसाइट द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन क्लिक करें वहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएगा वहाँ से आप इसको देखें और अगर आप ऐसे बेनिफिट चाहते हो ऐसे आपको मतलब पर्टिकुलरली We prepare you based on this approach. Then you can join our online coaching or get our study material. So, hope this video is helpful for you. If you like this video, please hit the like button. Share this video with your friends and colleagues. Subscribe to this channel to get more videos like that in future. Thank you. Bye.